इसका मतलब ये था निवृत्ति, सब कुछ छोड़ के आते थे। आज कलयुग में उल्टा हो गया, अब समाज में ये बात भी है ना बिल्कुल पलट गई। अब संत भी बटोरने आते हैं, जिसका नतीजा भी देख रहा हूँ कहाँ पहुँच रहे हैं संत। मुझे इन कपड़ों में अपने आप को बहुत अच्छा लगता है। कई लोग मेरे को कहते हैं मोती तेरे को भी चोला पहनना चाहिए, चोगा पहनना चाहिए। मैंने कहा चोला और चोगा पहनूं मैं भी टेढ़ा चलूंगा फिर। है लोग है ना चुन्नटदार कुर्ते और कमीजें पहन के आ जाते हैं, चुन्नटदार धोतियां पहन के आ जाती है, वो औरतें चलने को तैयार नहीं, चल नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, वो भाई बैठ नहीं सकते, उठ खड़े के खड़े ही रहते हैं। ये सारी बातें बदलने के लिए, तोते बदलने के लिए, तोता चश्म आदमियों को बदलने के लिए, ये ऊर्जा शब्द आज के साथ जोड़ूंगा। अब मुझे ऊर्जा मिल गई, मैं काम करूंगा। नहीं सच्चाई है, अब काम करूंगा। अब ऊर्जा शब्द मिल गया, आज मुझे पद्मश्री मिल गई है। लोग 25 लाख रुपए दे के पद्मश्री लेते तो कामयाब नहीं है। ये आपने जो मेरे को अपनी भाषा में आज जो ये पद्मश्री दे दी, इस पद्मश्री को मैं लगा दूंगा अपने तन से मन से, पूरे परिवार के साथ जुड़कर लगा दूंगा। अब ये छोटा सा बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, सलोना इसका नाम है। जब ये गाता है आत्मा खुश हो जाती है। यहाँ इस तरह के छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो गाते हैं, जो कर्म करते हैं, जो काम करते हैं, तन से मन से धन से भी काम करते हैं, ये अच्छा लगता है। ये भी बच्चा स्टेज करता है, बहुत अच्छा गाता है। ये बावली बैठी है, पूनम, हाँ पूर्णिमा और पूनम एक ही बात है। ये भी जब गाती है तो ऐसा लगता है जैसे धरती पे भूकंप आ गया। ये दादी अम्मा जब गाती है ऐसा लगता है कि कुछ गा रही है और बच्चों को आशीर्वाद दे रही है। ये सब हम गाने, वो शशि बहन जी है, कीर्तन जब करती है तो मज़ा क्या आया। हम तो लोग तरसते हैं, पैसा लेके गाने वाले तो कहते ताली बजाओ, वहाँ ताली नहीं बजती। और यहाँ किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ समझा दिया है कि भावना से गाने से, ताली बजा के गाने से शुगर दूर हो जाती है, अस्थमा दूर हो जाता है, हार्ट पेशेंट दूर हो जाता है। क्यों ना ताली बजाए और क्यों नहीं मुफ्त में इलाज करें। इसीलिए कह दिया संगीत से बीमारियों का इलाज, संगीत से बीमारियों का इलाज करता है। जब ये गाएंगी और हम जब नाचेंगे तो जोड़ों का दर्द रफा दफा। आज हमें एक पैसे की भी जरूरत नहीं, सारा काम करते हैं। अब इसको मैं भी योग कह सकता हूँ, योग कहना मेरे को भी आता है। बड़े बड़े संत जब मैं हमारे सामने आते हैं और जब पहले से ही कोई कह देता है निस्वार्थ और निःशुल्क, वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हाँ दूसरा प्रोग्राम अटेंड करना हम जा रहे हैं, ठहर ही नहीं सकते वो। ये सच्चाई है, यह भी बहुत हुआ है। वो यही कहेंगे, इनको पता है कि देख लिया यहाँ 40 आदमी गाने वाले, आज नंबर नहीं लगना, सीधा यही कहेगा ओहो 7 बजे मेरा कोई दूसरा प्रोग्राम है जा रहा हूँ, बहाना चाहिए फिर उन्हें। मेहता जी लास्ट क्वेश्चन मेरा यह है कि अब आवाम से जो यहाँ दिन दुखियाँ, यहाँ की जनता है भारत की दुखियाँ, उससे आप क्या अपील करना चाहते हैं? अपील कुछ नहीं करना चाहते, हम तो यही कहेंगे मैं तोते से मोती बना, तुम भी तोती से रुक्मणी बन जाओ। मैं तोता से मोती बना और तुम तोती से रुक्मणी बन जाओ ये कहेंगे और मज़ा आएगा। आज भी एक बहन आई अभी बैठी थी, बोला मैं भी भजन गाऊँगी। हाँ गा, तुम तो मुझसे दूर रहती हो, जिया मेरा घबराता, नींद आँखों से उड़ जाती है, चांद नजर भर। हम आई लव यू नहीं कहते यहाँ, तो जिससे बात कर लेते हैं, जिसको अपने साथ जोड़ लेते हैं, जिसको गले लगा लेते हैं और जिसको गोदी में बैठा लेते हैं, लोग चमकते हैं। अब नहीं चमकते, अब उन्होंने देख लिया लाखों को गोदियों में बैठा चुका, अब गोदियों में बैठाने से भी ऊर्जा मिलती है। शब्द ऊर्जा शब्द यूज कर रहा हूँ, ऊर्जा मिलती है। घर से आत्महत्या सोच के आई थी, मोती पागल का नाम दिमाग में आ गया, मैंने आ गई गोदी में बैठी, बोला अब आत्महत्या नहीं करूँगी। ये ऊर्जा नहीं है तो क्या आज आपका शब्द, मैं तो कह रहा हूँ अभी इसको दुनिया में पहुँचा दूंगा इस ऊर्जा को। और ये जरूर कहूँगा कि जब हम निस्वार्थ और निःशुल्क काम करते हैं तो मेरे मदन बाबू ने भी, मनोज बाबू ने भी, सब ने मिलके मुझे भी ये मुफ्त का शब्द दे दिया, मुफ्त की पद्मश्री दे दी। इसको हम पद्मश्री की तरह यूज करेंगे ऊर्जा।